और तो एनटीए का अपडेट मैंने बता दिया आपको, फिर से एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ कि एनटीए के एग्ज़ाम दो बार होंगे आपका। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो एक बार होगा आपका फरवरी में, और दूसरा जो एग्ज़ाम है वो होगा आपका मई में। उसके बाद काफ़ी लोग ये डाउट है कि सिलेबस का क्या होगा, सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, तो सिलेबस के लिए घबराना नहीं है आपको। सिलेबस में जस्ट एनसीईआरटी रहेगा, जैसा क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर्स में सेम डिटो वही रहेगा, ठीक है। तो आपको अभी भी एनसीईआरटी ही फोकस करना है। अब होगा कि कंप्यूटर पर होगा तो थोड़ा सा आपको और अच्छा होगा, तो कोई पेपर आउट होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा ये ध्यान रखना आपको बस। और पेपर वही रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड, जैसे पुराने क्वेश्चन आ रहे थे वैसे ही आएंगे। तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी को करते रहना साथ साथ, ठीक है। एनसीईआरटी और जो प्रीवियस के लिए जो अपना प्लानिंग था वो आपको बस फॉलो करना है, ओके। तो घबराना नहीं है, सिलेबस विल बी सेम, सिलेबस वही रहेगा, बस आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको अच्छे से करना है। और अपना जो मिशन 30 का क्वेश्चन का टारगेट था वो आपको करना है अच्छे से, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से डेली करने हैं, उसमें कोई ये नहीं करना, गलती नहीं करना है। 30 क्वेश्चन डेली करना है, ओके। और वो करते रहिए, कोई सिलेबस घबराना नहीं, ठीक है। कोई अफवाह मत सुनिएगा, जो सिलेबस है नीट का वही आएगा, जो प्रीवियस कुछ इसमें आए वही कुछ ईयर्स के क्वेश्चन भी इस बार भी आएंगे, क्लियर है, ठीक है।